एक शख्स अपनी साली के एक तरफा प्यार में इस कदर पागल हुआ कि उसने अपनी साली को ही किडनैप कर लिया और उस पर जबरदस्ती शादी का दबाव बनाने लगा। उसने साली को किराए के एक मकान में बंधक भी बना लिया। मकान में ताला बंद करके जीजा जी ससुराल पहुंचे और ससुराल वालों के साथ साली को खोजने निकल पड़े। इस बीच कमरे की खिड़की से जब लड़की ने चीख पुकार लगाई तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिल्मी अंदाज में जेसीबी की मदद से साली को जीजा की कैद से रेस्क्यू किया। कौन सा फोन लाया गाड़ी बंद करके? अच्छा, पापा का फोन नंबर बताओ। हाँ बेटा, गाड़ी क्या नंबर है पता? नहीं। मोबाइल नंबर क्या है? 8954। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के इटावा का है। यहाँ एक सिरफिरे जीजा ने अपनी 20 साल की साली से दूसरी शादी की चाहत में बंधक बना लिया। आरोपी सुधीर कुमार टोल कर्मी है जिसकी शादी राम प्रकाश की बड़ी बेटी से हुई थी, लेकिन सुधीर की नियत अपनी 20 वर्षीय साली पर भी खराब हो गई, जिसके बाद सुधीर अपनी साली से दूसरी शादी करने की नियत लेकर उसको बहला फुसला कर 29 सितंबर को किराए के मकान में बंधक बना लिया और मकान में बाहर से ताला भी बंद कर दिया। इसके बाद खुद ही ससुराल वालों के साथ लड़की को ढूंढने का नाटक करने लगा। लड़की ने मौका देख कमरे से मदद के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जब वहां मौजूद लोगों ने चीख पुकार सुनी तो पुलिस को इसके बारे में खबर की, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जेसीबी की सहायता से बंधक लड़की को दूसरी मंजिल से नीचे उतारा। अब पुलिस आरोपी जीजा सुधीर की सरगर्मी से तलाश में जुट गई है। इटावा से अनुराग सक्सेना की रिपोर्ट। ये थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला एक मकान में बंद है और दरवाजा उसका जो विंडो है वो खुला हुआ है, वहां से आवाज दे रही है। इस सूचना पर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और उस महिला को कमरे से मुक्त कराती है। थाने पर लाकर से पूछताछ की जाती तो ये महिला थाना बकेवर में बराहू गांव की रहने वाली है और ये अपने जिया के साथ आई थी। जिया के द्वारा ही इसे कमरे में बंद किया गया था। इस संबंध में थाना बकेवर को सूचना दी गई और बकेवर पुलिस ने आके इस महिला को अपने साथ ली गई है और वहीं पर इसका अपराध पंजीकृत हुआ है।